हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिक्स। आई एम संजय। तो बिना आपका आज टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और आपको किस किस क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। ऐसे कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि एलिफैटिक अमीनो एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट डिसाइड्स हाइड्रोफोबिसिटी। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि अमीनो एसिड के हाइड्रोफोबिसिटी का कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे कम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, व्हाट इज़ द लीस्ट एंड व्हाट इज़ द मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, सरफेस पे होते हैं, इंटीरियर में होते हैं, कहाँ होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए आप अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये जो हमारा वीडियो है अमीनो एसिड वाला, इसका एक हम पूरा सीरीज़ चला रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शायद आपको इससे पहले वाली वीडियो के बारे में पता नहीं होगा, तो इससे पहली वाली जो वीडियो है मैंने उसमें पूरा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि हमें अमीनो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि छोटे में बता देता हूँ कि जो प्रोटीन होता है, हम में से बहुत सारे लोगों को प्रोटीन का नेचर, प्रोटीन का बिहेवियर के बारे में सही से पता नहीं होता। ठीक है, कि ये प्रोटीन हाइड्रोफिलिक क्यों है, ये प्रोटीन हाइड्रोफोबिक क्यों है, ये वाला प्रोटीन मेम्ब्रेन में क्यों मिलता है, ये वाला प्रोटीन साइटोसोल में क्यों मिलता है। तो मैंने बताया था उस वीडियो में कि हमें ये सब चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझने के लिए अमीनो एसिड के बिहेवियर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना होगा। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम इस सीरीज़ में अमीनो एसिड्स के जितने भी केमिकल फैमिलीज़ हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हम पूरे सीरीज़ में, जो कि सेकंड वीडियो है सीरीज़ की, इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एसिडिक अमाइड अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एलिफैटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, साइक्लिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं और बेसिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं। ये सारी हैं केमिकल फैमिलीज ऑफ द अमीनो एसिड्स। इसीलिए प्रोटीन को समझने से पहले आपको हर एक अमीनो एसिड के बारे में अच्छे से समझना होगा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं एसिडिक और अमाइड अमीनो एसिड्स का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और वो वाली वीडियो है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एलिफैटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स। एलिफैटिक का मतलब क्या होता है, क्या अभी आपने कभी गौर से सोचा है इसका मतलब। एलिफैटिक का मतलब मैं आपको आज बता देता हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो अगर ओपन चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उनको हम एलिफैटिक कहते हैं। जैसे कि मैं आपको अब जो स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अमीनो एसिड्स के, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में। तो सबसे पहले आपका आता है ग्लाइसिन, फिर आता है एलेनिन, फिर आता है वैलिन, फिर आता है ल्यूसिन और फिर आता है आइसोल्यूसिन। मैं आपको आज एक छोटी सी ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत जो जितने भी एलिफैटिक अमीनो एसिड्स होते हैं उनको याद रखने में आसानी होगी, और सबसे कम हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कौन होता है, उस ट्रिक से वो भी हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए। चलिए, उस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे कम हाइड्रोफोबिक जो होता है, सबसे कम हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, उससे ज़्यादा होता है एलेनिन, एलेनिन इज़ ग्रेटर देन द ग्लाइसिन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोफोबिसिटी। राइट, मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान भी लगा दिया है कि सबसे कम हाइड्रोफोबिक ग्लाइसिन होता है, उससे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक एलेनिन होता है, उससे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक वैलिन होता है, उससे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक ल्यूसिन होता है और सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक आइसोल्यूसिन होता है। जो आइसोल्यूसिन होता है ना, वो सिर्फ एलिफैटिक अमीनो एसिड्स में ही सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक नहीं होता, बल्कि जितने भी अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड्स हैं टोटल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और उन सारे 20 अमीनो एसिड्स में मिला के सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड कौन सा होता है, आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन होता है मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमंग ऑल 20 अमीनो एसिड्स। ये आप याद रखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बीच बीच में ये भी बताता रहूँगा कि कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आपको पता चल गया कि सबसे कम हाइड्रोफोबिक होता है ग्लाइसिन और सबसे ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होता है आइसोलिसिन एलिफेटिक अमीनो एसिड्स में। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, आप उस ट्रिक को याद रखना और आपको हमेशा के लिए ये सीक्वेंस भी याद हो जाएगा कि किस तरीके से हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि हाइड्रोफोबिसिटी का, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज़ द फैक्टर दैट डिसाइड्स हाइड्रोफोबिसिटी। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें देखेंगे जब आप, ये आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है ग्लाइसिन के, इसके आर ग्रुप में एक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, CH3। वेलिन के आर ग्रुप में देखेंगे तीन हाइड्रोकार्बन है ना, तीन कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन्स हैं। इसमें देखेंगे चार हाइड्रोकार्बन्स हैं और इसमें भी देखेंगे चार हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोफोबिसिटी का जो रीज़न होता है ना, वो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एटम्स होते हैं। जितने ज़्यादा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होंगे किसी भी अमीनो एसिड में, वो अमीनो एसिड उतना ज़्यादा ही हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। और उसमें अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स या पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं हैं और ज़्यादा हाइड्रोकार्बन चेन्स प्रेजेंट हैं, एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वो हाइड्रोफोबिक ज़्यादा होगा। जैसे आप आइसोल्यूशन को देखेंगे, इसमें कितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, इसीलिए ये मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होता है। अब मैं इसको आपको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। आप देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का जी ले लेंगे, इसका ए ले लेंगे, जी ए, इसका वी और छोटा ई ले लेंगे, इसका एल ले लेंगे और इसका आई ले लेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, आप दो प्रोनाउंसिएशन से याद रख सकते हैं, एक या तो आप रख सकते हैं गवली गवली, ठीक है, और अगर थोड़ा फनी वे में जाना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं गांव वाली लड़की, ठीक है, या गवाली। तो गवली, गांव वाली या गवाली, है ना, इनमें से कुछ भी याद रखिए, आपको हमेशा के लिए ये सीक्वेंस याद हो जाएगा, गवली, गांव वाली या गवाली, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिनिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी, QC एंड जिप्सी, है ना, उसको भी आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, तो उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है पहले वाली वीडियो का। तो ये हो गया ट्रिक इसको याद रखने का। तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया, विच इज़ द लीस्ट एंड विच इज़ द मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, सबसे कम हाइड्रोफोबिक ग्लाइसिन और सबसे ज़्यादा आइसोलिसिन है। उसके बाद विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड जो है सारे के सारे 20 अमीनो एसिड में मिला के वो है ग्लाइसिन, क्योंकि इसका आर ग्रुप बहुत छोटा होता है। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देखेंगे अमीनो एसिड्स वाली, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं अमीनो एसिड्स पे, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में अमीनो एसिड को ही कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे प्रोटीन पे, तो उसमें मैंने पूरा क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है, ठीक है, तो वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लाइसिन होता है वो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये भी डिस्कस किया है कि ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ना, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ये अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिलिक कार्बन, अल्फा कार्बन, ये सारे ही अमीनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं। डिफर क्या करता है, बस ये आर ग्रुप जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ग्लाइसिन की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो जो ग्लाइसिन होता है ना, वो सबसे स्वीट अमीनो एसिड होता है, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड होता है, ठीक है, स्वीटेस्ट अमीनो एसिड होता है ये, स्वीट, ठीक है, स्वीट अमीनो एसिड, ठीक है, इसलिए इसको स्वीटनिंग एजेंट भी बोलते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने देखा है काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है, ये इकलौता ऐसा अमीनो एसिड है जो कि एक कायरल अमीनो एसिड होता है, एक कायरल अमीनो एसिड। अगर आपने एक कायरल और कायरल के बारे में नहीं पढ़ा तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि कायरल अमीनो एसिड वो होते हैं, कायरल अमीनो एसिड वो होते हैं जिसमें जो अल्फ़ा कार्बन होता है ना, अल्फ़ा कार्बन, उसके जो चारों ग्रुप अटैच्ड हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ये, तो
चारों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे, एक ये ग्रुप अलग है, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन अलग है, अमीनो ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप अलग है। तो अल्फ़ा कार्बन से जब चारों फंक्शनल ग्रुप्स जो जुड़े हुए होते हैं वो चारों डिफरेंट होते हैं, तो वो कहलाता है आपका कायरल अमीनो एसिड। ठीक है, आप कोई सा भी अमीनो एसिड उठा लीजिए 20 अमीनो एसिड्स में से, सारे के सारे कायरल अमीनो एसिड है एक्सेप्ट वन, कौन सा है? ग्लाइसिन। यहाँ पे देखेंगे कि दो हाइड्रोजन एटम्स एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसिन में, इसीलिए ये जो होता है इकलौता एक कायरल अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है ना, इसीलिए आप जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई सारे वाइवा में भी पूछा जाता है, कई सारे इंटरव्यूज़ और एमसीक्यू एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि रामाचंद्रन प्लॉट में सबसे ज़्यादा एरिया किस अमीनो एसिड का होता है, मोस्टली विच अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द रामाचंद्रन प्लॉट, एंड दैट इज़ ग्लाइसिन। क्यों दोस्त? क्योंकि जो ग्लाइसिन होता है वो सबसे छोटा होता है और सबसे ज़्यादा फ्लैक्सीबल भी होता है। ठीक है, ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, प्रोटीन के बाहर, प्रोटीन के अंदर कहीं भी। ये एम्फीफैटिक अमीनो एसिड होता है, एम्फीबॉलिक अमीनो एसिड होता है, जिसके पास हाइड्रोफोबिसिटी भी होती है, हाइड्रोफिलिसिटी भी होती है, इसलिए ये मोस्टली अकरिंग अमीनो एसिड होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ग्लाइसिन की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे समझाने के लिए आपको स्पेस चाहिए, राइट? तो अब हम समझते हैं कि इसका जो लोकेशन होता है अमीनो एसिड का वो क्या होता है। तो उससे पहले देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। आप इमेजिन करिए कि ये है आपका सेल, ठीक है, ये आपका सेल है, ठीक, तो और ये है आपका सेल वॉल, ठीक, ये आपका क्या है? सेल वॉल। और आप जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है सेल वॉल। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट्स होते हैं? लिपिड। लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक मेम्ब्रेन इधर से और दूसरी मेम्ब्रेन इधर से, तो लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है लिपिड की, ठीक है, लिपिड की बायलेयर मेम्ब्रेन होती है। और लिपिड क्या होता है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, ठीक। तो जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये हो गई सेल की मेम्ब्रेन, राइट, और ये क्या हो गया इसका? साइटोसोल, ठीक। यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है। तो अभी हम ज़्यादा सेल की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बस समझने जा रहे हैं कि ये जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन में प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ठीक। तो अब आपने ज़्यादातर जगह पे देखा होगा कि जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन के इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, सही है, लेकिन वो कंप्लीट आंसर नहीं है। अब हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? प्रोटीन के आउटर सरफेस पे या प्रोटीन के इनर सरफेस पे? वो डिपेंड करता है कि प्रोटीन कैसा है, वो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है। अब ध्यान से इसको समझना आप, ठीक है। तो इसको समझने के लिए जैसे कि ये देखिए आप, एक प्रोटीन है ये, ठीक है, ये मान लो एक प्रोटीन है, राइट, और ये जो प्रोटीन है ना वो प्रेजेंट है आपके साइटोसोल में। यहाँ ये वाला प्रोटीन लिया है मैंने, साइटोसोलिक प्रोटीन, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? साइटोसोलिक प्रोटीन। अब आप देखिए, जो प्रोटीन साइटोसोल में प्रेजेंट होता है ना, तो साइटोसोल का एनवायरनमेंट कैसा होता है? साइटोसोल का एनवायरनमेंट कैसा होता है? यहाँ पे एक्वस कंडीशन होती है ना, मतलब सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट होता है, मतलब आप ऐसा समझ के चलिए कि इसमें साइटोप्लाज्म में पूरा
पानी ही पानी है, सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, तो कैसा कंडीशन हुआ? हाइड्रोफिलिक कंडीशन हुआ, है ना। तो जब इस सॉल्वेंट की कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में, है ना, हाइड्रोफिलिक कंडीशन में कोई प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा कि इसके बाहर, इसके सरफेस पे वही अमीनो एसिड्स होने चाहिए, इस प्रोटीन के सरफेस पे वही अमीनो एसिड्स होने चाहिए जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर हो। समझ रहे हो? अगर हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तभी ये प्रोटीन स्टेबल होगा ना, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो भी हाइड्रोफिलिक है और सरफेस पे जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स है वो भी हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक के बीच में क्या होती है, स्टेबिलिटी बनी रहती है, वो एक दूसरे को अवॉइड नहीं करते। इसलिए डिपेंड करता है कि प्रोटीन कैसा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो रेड है ना, रेड ये है आपका हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड, और ये जो ग्रीन है ये है आपका हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड। तो इस वाले प्रोटीन में जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे वो तो सरफेस पे होंगे, क्योंकि ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, सॉल्वेंट में, साइटोप्लाज्म में। और जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होंगे वो प्रेजेंट होंगे इस प्रोटीन के अंदर, इंटीरियर में। द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स विल बी बरीड इनसाइड द प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन द साइटोसोल। तो इस तरीके से लोकेशन होती है, ठीक है। ये कंडीशन उल्टी भी हो सकती है, मतलब कि ये जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के अंदर चले जाएं और जो हाइड्रोफोबिक है वो प्रोटीन के बाहर आ जाएं। वो कब होगा? वो तब होगा जब कोई प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? सेल मेम्ब्रेन में, लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन के बीच में कोई प्रोटीन धंसा हुआ होगा। तो क्या होगा, अब आप देखो कि इसके चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसा एनवायरनमेंट है, हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। तो भाई जब इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में जो प्रोटीन प्रेजेंट है, ये वाला प्रोटीन हमने लिया, ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ सरफेस पे वही अमीनो एसिड होने चाहिए जो कि हाइड्रोफोबिक हो। ये कौन से है? हाइड्रोफोबिक। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक कंडीशन में है, हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट में है, सेल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। और इस केस में जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से जो अमीनो एसिड होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। तो कभी भी आप ऐसा नहीं समझेंगे कि हमेशा हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर ही होंगे और हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड प्रोटीन के सरफेस पे होंगे। नहीं, डिपेंड करता है कि जो प्रोटीन की बात हम कर रहे हैं वो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, तो आप लॉजिकली आंसर करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के बारे में और साइक्लिक अमीनो एसिड्स के बारे में। थैंक यू सो मच।